काना, आज तो हम बात कर रहे हैं इन खूबसूरत झुमकों की। कभी अगर सयूरी रूठ जाए ना आपसे, आप भी खरीद लीजिएगा उनके लिए खूबसूरत झुमके। देखिएगा कितनी आसानी से आ जाएगी उनके चेहरे पर मुस्कुराहट, क्योंकि इन झुमकों के साथ साथ आप तो देंगे सयूरी को अपना प्यार भी। वैसे प्यार की कहानी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, ये तो नॉर्मल है। फिलहाल क्या चल रहा है कान्हा और सयूरी की इस कहानी में, लेकर चलते हैं आपको, वो तो है अलबेला के सेट पर। अरे ये क्या है कान्हा, 3 सेकंड। कुकु, थैंक यू सो मच कान्हा, यू द बेस्ट। इतनी सारी प्रॉब्लम से तब भी तुम मेरे लेके आए हो। लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी प्रायोरिटीज पता होनी चाहिए, और मेरे लिए नंबर वन प्रायोरिटी तू ही है। स्टार भारत के सीरियल वो तो है अलबेला में कान्हा ले आए हैं सयूरी के लिए दिवाली का स्पेशल गिफ्ट। जी हाँ, जिसे देखकर सयूरी हो गई है बहुत ही ज्यादा खुश। समझ आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बिल्कुल गलत, तेरे जैसा साथी। बहुत प्यारी गुड़िया, बहुत ही प्यारी गुड़िया। तो वहीं दूसरी ओर ऋषि कर रहे हैं कुसुम पर अत्याचार, क्योंकि उसे चाहिए सोने के गहनों से भरा हुआ वो बॉक्स। लॉल का है, जान रहे कहीं यही हश्र किसी और का ना हो जाए। आज शाम तक मेरे हाथ में वो भरा हुआ डब्बा आ जाना चाहिए, समझी ना। अरे धनराज, सरोज बहू वो जो डिब्बा देके गई है कुसुम और दामाद जी के लिए। ऐसे में वो पहुंचते हैं अपने ससुराल, जहां पर उन्हें वो बॉक्स मिल भी जाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ऋषि को पता चलता है कि ये बॉक्स में जितने गहने हैं वो सारे नकली हैं, और ये प्लान है सयूरी का। अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि इसके बाद ऋषि क्या कदम उठाते हैं। ये दामाद जी, आपको और कुसुम को बड़ों का आशीर्वाद। अरे आओ आओ, कब से इंतजार कर रहा था तुम्हारा। एक एक की कीमत लाखों में होगी, ध्यान से चेक कीजिए और बढ़िया दाम दीजिए इतने तगड़े माल का। अरे मेरे से ज्यादा दाम तुम्हें कोई नहीं दे सकता है। अरे उल्लू बनाया तुम्हें, सब नकली है। इस समय ऐसे जल रहा होगा ना वो। आप लोग हंस क्या रहे हो, वहां ऋषिपुरी गहनों से भरा हुआ डब्बा लेकर भाग गया। जाएगा आना तो सही है। हमने दीदी और माँ की बात सुन ली थी, तो मौका मिलते ही सयूरी ने डब्बे में से गहने बदल दिए थे। बस अब जो कुछ भी है उस डब्बे के अंदर वो सब फेक है। हमारी आंखों के सामने ना एक खिसियानी बिल्ली वाली शक्ल आ रही है, खंबा नोच रहा होगा अभी कहीं पे। ये दिवाली तो तुम भाई बहनों के लिए अमावस की रात बनकर रह जाएगी। अब काली अंधियारी लंबी रात जिसमें जगमगाहट तो क्या, रोशनी की एक किरण तक नजर नहीं आएगी तुम्हें। अरे ये क्या है कान्हा, 3 सेकंड। कुकु, थैंक यू सो मच कान्हा, यू द बेस्ट। इतनी सारी प्रॉब्लम से तब भी तुम मेरे लेके आए हो। लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी प्रायोरिटीज पता होनी चाहिए, और मेरे लिए नंबर वन प्रायोरिटी तू ही है। ये चीजें नहीं भूलूंगा मैं, तो सीख चुका। एक बात तो मुझे समझ में आ गई, जिंदगी में कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, लेकिन अगर तेरे जैसे साथी है ना तो सब कुछ अच्छा हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बिल्कुल गलत, तेरे जैसा साथी। बहुत प्यारी गुड़िया, बहुत ही प्यारी गुड़िया। क्या हुआ इस डॉल का, जान रहे कहीं यही हश्र किसी और का ना हो जाए। आज शाम तक मेरे हाथ में वो भरा हुआ डब्बा आ जाना चाहिए, समझी ना। अरे धनराज, सरोज बहू वो जो डिब्बा देके गई है कुसुम और दामाद जी के लिए, वो कहाँ है। वो अंदर कमरे में रखा है। अरे तो कब देगा। अरे वाले, कुसुम जा, जाके वो डब्बा तो ले आ माँ के कमरे से। ये दामाद जी, आपको और कुसुम को बड़ों का आशीर्वाद।
अरे आओ आओ, आपसे इंतजार कर रहा था तुम्हारा। एक एक की कीमत लाखों में होगी, ध्यान से चेक कीजिए और बढ़िया दाम दीजिए इतने तगड़े माल का। अरे मेरे से ज्यादा दाम तुम्हें कोई नहीं दे सकता है। अरे उल्लू बनाया तुम्हें, सब नकली है। इस सब ऐसे ही चल रहा होगा ना वो। आप लोग हंस क्या रहे हो? वहां ऋषिपुरी गहनों से भरा हुआ डब्बा लेकर भाग गया। जाएगा कहाँ? आना तो सही है। हमने दीदी और माँ की बात सुन ली थी, तो मौका मिलते ही सयूरी ने डब्बे में से गहने बदल दिए थे। बस अब जो कुछ भी है उस डब्बे के अंदर वो सब फेक है। हमारी आंखों के सामने ना एक खिसियानी बिल्ली वाली शक्ल आ रही है, खंबा नोच रहा होगा अभी कहीं पे। ये दिवाली तो तुम भाई बहनों के लिए अमावस की रात बनकर रह जाएगी। अब काली अंधियारी लंबी रात जिसमें जगमगाहट तो क्या, रोशनी की एक किरण तक नजर नहीं आएगी तुम्हें।